हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। और आज हमारे गांव में एक इफ्तार पार्टी रखा गया है, जामा मस्जिद के पास कदम चौक में है ये। और यहां पे हम लोग देखेंगे आज इफ्तार पार्टी। और यहां पे अभी चल रही है इफ्तार पार्टी की प्रिपेयर मस्जिद के पास। और यहाँ पर अभी जो बन रही है ये चिल्ली है, और ये हमारे सगीर भाई जो इसको छानने का, फ्राई करने का काम कर रहे हैं। और भी सारे लोग हैं जो यहाँ पे यंग लोग पूरे अच्छे तरह से इसकी प्रिपेयर कर रहे हैं। और अभी मैं इसको और बेहतर तरह से दिखाने वाला हूँ, और अभी सभी चीज़ को एक एक करके देखेंगे। चलते हैं और दूसरे चीज़ों की तरफ, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ की अभी प्रिपेयर चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सगीर भाई फ्राई कर रहे हैं चिल्ली को, और यहाँ पे हमारे ये तौसीफ भाई हैं जो यहाँ पे एप्पल को ये कट कर रहे थे, और यहाँ पे इसको क्लीन कर रहे थे और बेहतर तरह से इसको धो रहे थे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देख सकते हैं पुड़किया वगैरह, कचरी वगैरह इधर काड़ी इसकी फ्राई हो रही है, और इधर प्रिपेयर चल रही है। और ये हमारे आगे फ्रंट में आलम अंकल है, और ये हमारे आसिफ भाई हैं जो ये इसको छानने का काम कर रहे हैं, और काफ़ी बेहतर तरह से इसको केयर करके और देखकर इसको छान रहे हैं, और काफ़ी अच्छे तरह से ये इस चीज़ को डील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ की प्रिपेयर अभी चल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं जो ये जो है ये पुरुकिया का जो फ्रेम है ये साइज़ में, ये शेप में बना कर लाते हैं। और यहाँ पर हमारे आसिफ भाई इसको छानने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक मेम्बर हैं जो रखा गया है इस काम के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे भाई लोग यहाँ पे ग्रेप्स अंगूर को अच्छी तरह से फ्रेश कर रहे हैं, और ये काफ़ी मतलब अच्छी तरह से इसकी क्वालिटी को देख रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है। रमज़ान के टाइम में ये इफ्तार की प्रिपेयर चल रही है। और ये मैं लोकेशन को एक बार और अच्छे तरह से इंडिकेट कर दूँ, ये तेगी जामा मस्जिद रामपुर सिंघारा में पड़ता है ये। और यहाँ पे इस तरह से प्रिपेयर चल रही है, और देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से मस्जिद के ऊपर से ये वो अप लुक है, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इसका रास्ता का लोकेशन है, इधर से आइएगा आप मस्जिद के पास। और यहाँ पे ये जो है ये कचरी है जो प्रिपेयर होके रेडी है। और ये फ्रूट्स में देख सकते हैं यहाँ पे तरबुज्जा है और पपीता है, ये फ्रूट्स भी कट होकर रखा हुआ है। यहाँ पे अंगूर का भी ये अच्छे तरह से फ्रेश होकर रखा हुआ है। और ये एक वगैरह प्लेट में जो है इस तरह से सजाने का काम अभी चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दादा जो केला को अभी भी छील रहे हैं, और वो अभी इस तरह से छील कर एक प्लेट में देते हैं और रखने के लिए। अब यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अभी जो प्लेट वगैरह में सज रहा है वो अंदर में किस तरह से सज रहा है, और उसको अभी हम लोग जाकर देखेंगे। और यहाँ पे अभी चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से किस तरह से प्रिपेयर चल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मेंबर हैं जो यहाँ पे ये इफ्तार को सजाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफोर्ड है यंग लोग की, यहाँ पे जितने हमारे गांव के यंग हैं ये सब काफ़ी अफोर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी बेहतर तरह से इनको ये सजा रहे इफ्तार को, और काफ़ी बेहतर तरह से यहाँ पे अपने आप को मतलब ये देना चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इफ्तार बेहतर से बेहतर हो सके। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मस्जिद में किस तरह से काम चल रही है अभी इफ्तार के लिए, और यहाँ पे सभी लोग इफ्तार को अच्छी तरह से लगा रहे हैं। और ये देख सकते हैं मस्जिद में इनसाइड अंदर लुक कैसा दिख रहा है। और ये अभी इसी तरह से ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर ये इनसाइड अंदर में चल रहा है ये प्रिपेयर, फिर आउटसाइड बाहर में भी इसी तरह से अभी चलने वाला है, और फिर ये सेकेंड फ्लोर पे भी चलने वाला है जो मस्जिद का टॉप होगा, वहाँ पे भी इसकी प्रिपेयर चलने वाली है। तो वहाँ पे भी हम लोग दिखाएंगे कि वहाँ पे अभी किस तरह से प्रिपेयर हुई है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल अभी अंदर ही में प्रिपेयर चल रहा है, तो मैं अंदर ही को दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इफ्तार की काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये सजाने का काम हो चुका है, और काफ़ी अच्छे तरह से ये हमारे आज़ाद भाई, तौसीफ भाई और जितने भी सारे यंगर हैं
सब इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी इल्डर्स हैं हमारे से बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, उनका भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट है। सब लोग अच्छे तरह से मिलकर इसको इस दावत को सजा रहे हैं और काफ़ी अच्छा ये इम्पैक्ट दिख रहा है और काफ़ी अच्छा ये है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी इफ्तार की सजाने की काम चल रही है अभी, और इस तरह से अभी चलती रहेगी जब तक ये पूरी ना हो जाए। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे, बुरा लगे या कुछ कमी दिखे तो आप लोग ज़रूर बताएँ। और ये देख सकते हैं ये इफ्तार का इस तरह से ये सजाया हुआ है और ये सजने के बाद इस तरह से दिख रहा है। अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ अभी नहीं हुई है, होने होगा तो मैं उसको भी फाइनल कर कर दिखाऊँगा। और गाइस यहाँ पे फिर से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आउटसाइड में इसी इफ्तार की प्रिपेयर चल रही है। इससे पहले मैं दिखा रहा था इनसाइड, अंदर में मस्जिद के अंदर में किस तरह से चल रही थी। अभी मस्जिद के ये बरामदे वाला जगह है जो मैं अभी इसको आउटसाइड बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी बेहतरीन लुक में यहाँ पे इफ्तार की लगभग प्रिपेयर पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग आए हैं टॉप पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मस्जिद के टॉप पे भी प्रिपेयर चल रही है इफ्तार पार्टी की। और यहाँ पे भी कितने बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे भी सजाया जा रहा है इफ्तार की। और देख सकते हैं यहाँ पे इसका लुक क्या दिख रहा है, यहाँ पे सभी लोग इफ्तार को यहाँ पे लगा रहे हैं अच्छे तरह से। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लुक दिख रहा है यहाँ पे। और ये हमारे दादा आ रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग मस्जिद का लुक किस तरह से दिख रहा है। और यहाँ भी इफ्तार की प्रिपेयर चल रही है, और अभी टाइम होने ही वाला है इफ्तार के, और मैं इसको दिखाने वाला हूँ फाइनल किस तरह से होने वाला है। और ये देख सकते हैं इफ्तार की टाइम होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमारे छोटे छोटे रोज़ेदार बच्चे लोग किस तरह से यहाँ पे एक्साइटेड है इफ्तार पार्टी करने के लिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, काफ़ी गोल्डन मोमेंट है ये, और काफ़ी मतलब बेहतरीन लुक दिख रहा है यहाँ पे। और ये रोज़ेदार के लिए, ये बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा ये मोमेंट रहेगा और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं गाइस काफ़ी बेहतरीन लुक है ये। और यहाँ पे हमारे मस्जिद पे यहाँ पे ये इस तरह से प्रिपेयर हो चुका है फाइनल, और यहाँ हमारे बच्चे लोग भी बैठ चुके हैं, अभी और रोज़ेदार लोग आ रहे हैं।
और अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ये इनसाइड में देख सकते हैं अंदर में किस तरह से लुक दिख रहा है। यहाँ पे सभी रोजेदार जो भी है आकर बैठ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आउटसाइड में भी रोजेदार लोग आकर बैठ चुके हैं, और इसका भी काफी अच्छा लुक दिख रहा है और काफी ही अच्छे लग रहे हैं सब लोग, और काफी अच्छा मतलब ये मोमेंट है और हम लोग को काफी अच्छा लग रहा है। और जो लोग इसकी प्रिपेयर किए हैं सब लगभग उसी यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रिपेयर का ये कुछ पिक ले लिया था मैंने, और यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है ये। और गाइज ये वीडियो कैसा लगे हमें जरूर बताएं, और वीडियो का रिव्यू भी जरूर।